मंत्री श्रवण कुमार पटना से दाऊद नगर होते हुए किसी कार्यक्रम में शामिल होने डेहरी जा रहे थे और तभी तेजपुरा के सामने स्थित नहर में उन्हें स्कॉट कर रही गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में स्काउट वाहन में मौजूद 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल दाऊद नगर भर्ती कराया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, इन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के स्काउट गाड़ी ओबरा प्रखंड के तेजपुरा गांव के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री श्रवण कुमार पटना से दाऊद नगर होते हुए किसी कार्यक्रम में शामिल होने डेहरी जा रहे थे और इसी दौरान ये घटना घट गई। बता दें कि इस हादसे में स्काउट वाहन में मौजूद 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल दाऊद नगर भर्ती कराया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताते इस घटना से आसपास के इलाके में भी काफी तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं ग्रामीणों की भी भीड़ जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़े हैं। रुपेश, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, क्या वजह बताई जा रही है घटना के पीछे की? जी श्रुति, मैं बता दूं कि मंत्री श्रवण कुमार कहीं देरी ऑन सोन किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी ओबरा थाना क्षेत्र के तेजपुरा गांव के सभी जो सुरक्षा कर्मी की जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गया और खाई में जाकर पलट गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि 2 पुलिसकर्मी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, इसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। जी, फिलहाल मंत्री की क्या स्थिति बताई जा रही है रुपेश? जी, मंत्री की अगर बात करें तो बिल्कुल मंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित है, सिर्फ जो सुरक्षा कर्मी थी उन्हीं को चोटें आई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे घटना में फिलहाल बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पूरी तरह से सुरक्षित है, हालांकि इस घटना में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं।